हमने कल से परसों से रिव्यू मीटिंग शुरू की हैं, ड्रेनेज की, डिवॉटरिंग की मशीन्स रिव्यू मीटिंग्स की हैं, करीबन 60 मोबाइल डिवॉटरिंग पम्प डिप्लॉय किए हैं, फिक्स्ड डिवॉटरिंग स्टेशंस को हमने रिव्यू किया, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी 100% ऑप्टिमल चल रही है। अभी कहीं पर लोकल वाटर लॉगिंग होती है, कोई लोकल रेन में बर्फ़ आ जाती है या इनलेट आउटलेट में प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं रियल टाइम बेसिस। फ्यूल ऑगमेंटेशन हमने पम्प्स की है। जहाँ तक बर्फ़ क्लियर करने का सवाल है, मैक्सिमम सिटी में बर्फ़ क्लियर करना होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और R&B को। MED को मेन हाईवेज और मेन रोड्स करनी होती हैं, R&B को इंटीरियर मोटरेबल लेन्स और बाई लेन्स करनी, वो R&B करती नहीं है, तो SMC आमतौर पर वॉलंटियर करती है। नहीं तो अगर आप देखें गालिबन SMC को सिर्फ जहाँ वो कोचे साफ़ करने, जहाँ गाड़ी अंदर नहीं जाती है वो साफ़ करने, लेकिन हम अब लेन्स और बाई लेन्स भी साफ़ करते हैं। और अभी बर्फ़ हो रही है, कभी बर्फ़ थमी नहीं है, कल थमी, फिर आज रात, कल रात को फिर से शुरू हुई, अभी भी हो रही है। तो वी आर ऑन द जॉब, काम चल रहा है। हमारे सारे लोग, ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत लिमिटेड है, 3000 है, 6000 होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके काम चल रहा है। कल रात को 1-2 बजे तक स्नो क्लियरेंस हो रही थी। हमारे लोग और मशीन से उनको दो चीज़ें करनी पड़ती, इन्हीं JCB से हमें गारबेज को लिफ्ट करना पड़ता है, इन्हीं JCB से हमें बर्फ़ को क्लियर करना पड़ता है। हमने बार बार गवर्नमेंट से कहा है, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग है मिस्टर दिव्यज गुप्ता, करीबन आधा दर्जन बार उनसे कहा है कि हमारी इश्यूज़ क्या हैं, इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा, विद इन आर लिमिटेड रिसोर्सेज कारकर्दगी बहुत अच्छी है। इंटीरियर लेन्स बाई लेन्स अभी साफ़ हो रही हैं, इंशाल्लाह आज शाम तक साफ़ हो जाएंगी मैक्सिमम सिटी में, और डिवॉटरिंग की मैक्सिमम जहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट्स थी उनको हमने रिजॉल्व कर दिया है। क्योंकि जब बर्फ़ एक स्नो क्लियरेंस की गाड़ी चलती है, वो बर्फ़ साइड्स पर एक्यूमुलेट कर देती है, ढेर बनते हैं, तो जो ड्रेन का इनलेट होता है जहाँ से पानी अंदर जाता है वो बंद हो जाता है। ये इनिशियल प्रॉब्लम्स हर एक जगह होती हैं, जिस दिन बर्फ़ होती है ये प्रॉब्लम हर एक जगह होती है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये प्रॉब्लम एक दिन में सामने आती है, बट चैलेंज ये है कि इसको हम कितना जल्दी रिजॉल्व करें, और मुझे लगता है आज शाम तक रिजॉल्व हो गया होगा। अभी भी बर्फ़ हो रही है, वो भी एक चैलेंज है, लेकिन आज शाम तक मैक्सिमम जो क्लियरेंस है वो रिजॉल्व हो गई है। बुरा न मानिएगा, एक माइंडसेट नेगेटिव बन गया, खासकर हम पॉजिटिव चीज़ें देखते नहीं हैं। अभी आप अगर देखेंगे, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग ने श्रीनगर को टॉप 50 क्लीनेस्ट सिटीज़ में शुमार किया, एक रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद, उनके बेंचमार्क्स क्या हैं वो देखने के बाद, और हम लगभग 357 पे हुआ करते थे। चैलेंजेस हैं, हमने ये कभी नहीं कहा कि कोई चैलेंजेस नहीं है। जो क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में होगी उसमें भी चैलेंजेस होंगे, हमारे भी चैलेंजेस हैं। पॉलीथीन को इरेडिकेट करना भी एक चैलेंज है, लेकिन जहाँ तक सैनिटेशन का सवाल है, हम 357 स्पॉट से 45 स्पॉट तक आए हैं एक साल में। इतनी रिमार्केबल चेंज हिंदुस्तान में किसी सिटी में एक साल में नहीं आई।